नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। कौन कौन है 8 ग्रह? तो बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, अरुण, वरुण, शनि और पृथ्वी, ठीक है। तो सौर मंडल कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? तो बुध, बृहस्पति, मंगल, ठीक है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी और एक शुक्र, यानी कि टोटल 8 ग्रह हैं सौर मंडल में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। आप हमको ये बताएं कि सूर्य जो है किन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो सूर्य जो है दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है सूर्य। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? तो हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%, यानी कि हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26% है सूर्य में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य जो है दो तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन, हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%, और जो बच जाएगा वो अन्य गैस होगा। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह, ठीक है, यानी कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। आप हमको ये बताइए कि दो कौन से ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध, ठीक है, बुध और शुक्र, ठीक है, बुध और शुक्र जो है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। 8 ग्रह का आपका नाम याद होना चाहिए। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है। सूर्य जो है दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन 71% और हीलियम जो है 26%। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं, ठीक है। और दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ग्रहों की गति के नियम का पता जो है ये केपलर ने लगाया था। किसने लगाया था? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था या फिर पता लगाया था। नेक्स्ट 5 नंबर कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल है। कितने हैं? 89, यानी कि अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल है। क्या है? तो तारामंडल है 89। नेक्स्ट 6 नंबर कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह है बुध, ठीक है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह है बुध, और बुध जो है सूर्य का 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। कितने दिन में? बुध जो है सूर्य का 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। सबसे कम में चक्कर कौन लगाता है? तो बुध। कितने दिनों में? तो 88 दिनों में। नेक्स्ट 7 नंबर कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को, ठीक है, सूर्य को जो है सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। आपको पता है कि सूर्य दो तत्वों से मिलकर बना है, 71% क्या है? हाइड्रोजन, और 26% क्या है? तो हीलियम है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम दो तत्वों से मिलकर बना है सूर्य। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। तो रिवीजन करते हैं कि ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल हैं, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह है बुध, और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बुध जो है सूर्य का 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को, ठीक है, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सूर्य में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26% है, ठीक है। सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर सवाल।
एट नंबर सवाल है कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो वो है शुक्र और अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण जो है ये ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक है, कैसे घूमते हैं, दक्षिणावर्त। अगर हम बात करेंगे शुक्र के बारे में तो सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा या फिर पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र को, और लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण को। नेक्स्ट देखेंगे नाइन नंबर कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो वो मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, निक्स ओलंपिया कोलंबस जो है ये पर्वत है, ये किस ग्रह पर स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पे। आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है 8848 मीटर। तो समझिएगा ये क्या है, माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, तो इसकी ऊंचाई कितना है 8848 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत की, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 8000 है तो ये 25000 के आसपास इसकी ऊंचाई होगा। कितना होगा, 25000 के आसपास, यानी कि इसका 3 गुना है। कितना गुना है, 24। ठीक है, और ज़्यादा ही जाएगा, 25000 जा सकता है, यानी कि निक्स ओलंपिया की जो ऊंचाई है वो 25000 से भी ऊंचाई है, यानी कि माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, जो कहाँ स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, और मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और गर्म ग्रह कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है अभिनव तारा। ठीक है, यानी कि अभिनव तारा कहलाता है विस्फोटी तारा। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा। देखेंगे, रिवीजन करेंगे कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण। ठीक है, शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, और अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, और शुक्र को गर्म ग्रह भी कहा जाता है। नाइन नंबर सवाल है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो मंगल ग्रह पर। ठीक है, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है ये पर्वत है जो मंगल ग्रह पर स्थित है, ये जिसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना है। ठीक है, फिर इसे मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, तो अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है 11 नंबर सवाल। देखिए 11 नंबर सवाल है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी, कॉपर निकस ने। ठीक है, सौर मंडल की खोज किए थे कॉपर निकस ने। नेक्स्ट 12 नंबर कि प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते हैं, तो प्राचीन भारतीय जो है सूर्य को एक ग्रह मानते हैं। क्या मानते हैं, ग्रह। सूर्य को एक तारा भी कहा जाता है, सूर्य को ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब यानी कि प्राचीन भारतीय मानते थे कि सूर्य को ग्रह मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर कि सूर्य कौन सी गैस का गोला है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। आपको बताया था कि सूर्य जो है दो गैसों के मिश्रण से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो हाइड्रोजन 71%। ठीक है, 71% हाइड्रोजन है, और हीलियम जो है वो है 26%। ठीक है, कितना है, 26% हीलियम और 71% हाइड्रोजन, यानी कि सूर्य जो है दो तत्व से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट 14 नंबर कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। डिवीजन करते कि सौर मंडल की खोज किसने की थी, कॉपरनिकस ने। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या कहते थे, तो ग्रह कहते थे। सूर्य से कौन सी गैस का गोला है, तो सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम तत्व से मिलकर बना है, हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26%। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि किस देश में रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, तो किस देश में दिखाई जाता है, तो ये नॉर्वे देश में दिखाई देता है, यानी कि सूर्य किस देश में अर्धरात्रि को, ठीक है, यहाँ पे अर्धरात्रि होगा, को सूर्य दिखाई देता है, तो नॉर्वे में। नॉर्वे एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है ओस्लो। क्या है, ओस्लो जो है नॉर्वे देश की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 16 नंबर कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है, तो सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर, यानी कि सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य के धरातल का तापमान जो है ये 6000 डिग्री सेल्सियस है।
नेक्स्ट है 18 नंबर कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि मध्य रात्रि का जो सूर्य है ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। रिवीजन करते हैं कि किस देश में अधरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, तो नॉर्वे में, और नॉर्वे देश की राजधानी क्या है, तो ओस्लो। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर, देखिए 19 नंबर सवाल है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है, तो 71%। हम आपको बताए थे कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन जो है ये कितना परसेंट है, 71%, और हीलियम कितना परसेंट है, तो 26%, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध। आपको बताया था कि जो बुध है ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, ठीक है, और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, और ये बुध जो है सूर्य का 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। कितने दिनों में, 88 दिनों में, ठीक है ना। और सूर्य जो है सबसे निकट ग्रह है किसका, बुध जो है सबसे निकट ग्रह है सूर्य का। नेक्स्ट 21 नंबर कि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 88 दिन, ठीक है। बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 88 दिन लेता है, ठीक है, और पृथ्वी कितना दिन लेता है, 365 या 366 दिन, ठीक है। पृथ्वी यानी कि सूर्य का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 365 या 366 दिन लेता है। रिवीजन करते हैं कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71%, और हीलियम है 26%। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध जो है सबसे निकट है। बुध 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन कौन है, तो फोबोस और डीमोस, ठीक है ना। तो बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 88 दिन लेता है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, यहाँ पे देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे 22 नंबर सवाल, देखिए तो 22 नंबर सवाल जो है ये है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वरुण, ठीक है। वरुण जो है ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, और वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठंडा ग्रह, और वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह, हरा ग्रह, यानी कि वरुण जो है हरा, जैसे कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, और शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि मंगल ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। उसी तरह से वरुण को ठंडा ग्रह भी कहा जाता है, और वरुण जो है ये हरा ग्रह है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वरुण है, और सबसे निकट है बुध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला 23 नंबर सवाल, देखिए 23 नंबर सवाल है कि कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का। हम आपको बताया था कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 24 नंबर कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो बुध, ठीक है। बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाता है 88 दिनों में। कितना दिनों में, 88 दिनों में, यानी कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो बुध। कितना दिनों में लगाता है, 88 दिनों में। नेक्स्ट 25 नंबर कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह, नीला ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर कि किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो पृथ्वी पर, ठीक है। एक ऐसा ही ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, किस पर है, तो पृथ्वी पर। यानी किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो पृथ्वी पर, ठीक है। डिवीजन करते हैं कि कौन से ग्रह जिनका उपग्रह नहीं है, बुध और सूर्य का कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, वो बुध लगाता है। कितने दिनों में, तो 88 दिनों में, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, और गर्म ग्रह कहा जाता है किसको, तो शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर जीव रहते हैं, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है, कौन है, तो वो चंद्रमा, ठीक है। इसी तरह से मंगल का दो ग्रह है, दो उपग्रह है, कौन कौन है, तो फोबोस और डीमोस, ठीक है। मंगल का दो उपग्रह कौन कौन है, फोबोस और डीमोस। उसी तरह से पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा।
28 नंबर सवाल है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में लगाती है। ठीक है, कितने दिन में लगाती है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है 29 नंबर कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपको पता है कि तीन, जैसे कि चार भाग में तीन भाग क्या है? तो तीन भाग सिर्फ जल है और एक भाग पर स्थल है। ठीक है, तीन भाग जल है और एक भाग स्थल है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर कि किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। रिविजन करते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को। ठीक है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर सवाल। देखिए 31 नंबर सवाल है, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट 32 नंबर कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। कितना परसेंट भाग? 57% भाग देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा को। 33 नंबर सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो वो है 21 जून। ठीक है, 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। चंद्रमा क्या है? तो भी एक ग्रह है। किसका है? तो पृथ्वी का। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च हुआ 22 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। 35 नंबर सवाल है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 1011 वर्ष। ठीक है, 1011 वर्ष सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है। नेक्स्ट 36 नंबर कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ठीक है, ओलिपस मेसी जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। 37 नंबर सवाल है कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 ईस्वी को। ठीक है, अरुण ग्रह की खोज हुई थी और अरुण ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है। कैसा ग्रह? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण ग्रह को। इसकी खोज हुई थी 1781 ईस्वी को। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपियस। ठीक है, ओलिपियस मेसी जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 ईस्वी को अरुण ग्रह की खोज हुई थी और अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर सवाल। देखिए ठीक है, 38 नंबर सवाल है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी द्वारा जब सूर्य की एक परिक्रमा होता है तो उसे सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण। ठीक है, अक्ष पर झुकी होने के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि मौसम बदलता है। नेक्स्ट 40 नंबर कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? तो 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त की गई थी। यानी कि प्लूटो ग्रह, प्लूटो पहले एक ग्रह था जो पहले टोटल 9 ग्रह था। ठीक है, तो उसके बाद 24 अगस्त 2006 के बाद टोटल 8 ग्रह हो गया है। ठीक है, प्लूटो को ग्रह की मान्यता समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।